वहीं देश में गिरती जीडीपी पर अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की अर्थव्यवस्था पूरी रसातल में चली गई है। इसको लेकर बार बार आदरणीय राहुल गांधी जी चेतावनी दे रहे थे कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। और बहुत जिस तरीके से बेरोजगारी, जिस तरीके से उद्योग और एसएमआई जो जिस तरीके से ठप हो गए थे, तो उन सब को लेकर चेतावनी समय समय पर दे रहे थे। पर लेकिन हमारे चाहे वो वित्त मंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनकी जुमलेबाजी में कोई शायद दुनिया में कोई सानी नहीं है, वो इस बात को स्वीकारने से हिचक रहे थे या स्वीकार ही नहीं रहे थे, बल्कि इसके विपरीत बात कर रहे थे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को हमने बहुत ज़्यादा जो बैंकों के माध्यम से पैसा कर्ज पे दे रहे हैं, और कर्ज बल्कि माध्यम दूसरा होना चाहिए था, और उसकी सुनवाई नहीं हुई। और यही कारण है कि आज समझ नहीं आ रहा इन सबको देखते हुए कि भविष्य में क्या स्थिति होगी आर्थिक व्यवस्था को लेके, बेरोजगारी को लेके, उद्योग जिस तरीके से ठप पड़े हुए हैं, पूरा जो व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जो आने वाला जो भविष्य है वो अपने आप में बहुत अंधकारमय लगता है।